अच्छा जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमने जिस चीज के ऊपर बात करनी है वो है कि आप लोगों ने जो मुझे अपने राइटअप्स भेजे थे, और उसके बाद हम अपने आज के टॉपिक पे बात करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले जो है आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम जो असाइनमेंट दी थी उससे स्टार्ट करते हैं। रिमशा की असाइनमेंट हमने पहले भेजी थी उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे हमने बात की थी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द वर्ड आइडियोलॉजी। भाई आइडियोलॉजी का ये जो एक वर्ड, एक लास्ट टाइम जब मैंने आपको बताया था कि अगर हम कनोटेशन की बात करें तो दिस इज अ हार्ड वर्ड। आइडियोलॉजी के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो हमने लेकर चलनी होती हैं, जिनको हमने देखना होता है, या फिर गिव द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान अंडर द सेंस ऑफ कायद आजम, एंड देन हमने कहा कि भाई इलामा इकबाल को हम देखेंगे, क्योंकि ये सवाल इसी तरीके से आता है और इसके यही कंपोनेंट्स हैं कि जो हमने लेकर चल रही। अब यहाँ पे आपने इसकी आउटलाइन जो है इज अ सॉर्ट ऑफ शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में बनाई है, इसलिए मुझे इसके ऊपर त्रास नहीं है। अगर आपने शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में बनाया, वैसे एक आउटलाइन का जो प्रॉपर स्कीम या स्केड्यूल होता है वो ये होता है कि आप अपनी आउटलाइन के अंदर, मैं बुलेट्स को डिस्करेज करती हूँ, whether it's an English essay or whether it's any other subject, आप एक पूरी सेंटेंस बनाएं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लाइन लिखें कि जिसकी बात तक तस्लीम हो, पता चले जिसके आसे आपको आइडिया हो जाए कि आप कहना क्या। अच्छा, अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान इज एन आइडियोलॉजिकल स्टेट, आपने कहा, एंड द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम। अच्छा, इससे पहले भी एक बात हुई, अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन ये था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द वर्ड आइडियोलॉजी। दिस इज द वे कि जब आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लाइक यू हैव इन पॉलिटिकल साइंस ऑल द सब्जेक्ट्स, तो आपको पता होता है कि आपकी गलती क्या है, इसलिए जानते बूझते हुए गलती नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये है कि भाई आपको, आप किसी भी चीज की टाइप अगर बता रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आइडियोलॉजी एक जेनेरिक टर्म है और आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एक स्पेसिफिक चीज है, तो वो जेनेरिक टर्म वो आइडियोलॉजी की व्हाट एक्चुअली इज, उसको आप अगर नहीं बताएंगे तो आप आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते। तो ये बात जरूरी है कि वेदर यू इवन सिंगल आप एक लाइन बता दें कि आइडियोलॉजी इज द सेट ऑफ आइडियाज और बिलीफ, एंड देन आप उसको लेकर आए कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो है दिस इज बेसिकली द सेट ऑफ बिलीफ्स इस्लाम, द आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम एंड पाकिस्तान इज वन एंड सेम थिंग, फिर एक हमारे पास जो है वो कोहेरेंस बनती है या आपकी कनेक्टिविटी बनती है कि आप जो भी बात यहाँ पे कर। उसके बाद आपने कहा इस्लाम एक्टेड एज अ नेशनल बाइंडिंग फोर्स, ठीक है। उसके बाद आपने कहा कि जो सिटीजन है दे शुड लेड देयर लाइफ एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, एंड कायद आजम एंड इलामा इकबाल ने जो है इन चीजों को इस तरीके से आर्टिकुलेट किया है। आपने कायद आजम और इलामा इकबाल की सेंस बताई। अब इसके बाद जो आपका पहला पार्ट है कायद आजम और इलामा इकबाल में के ऊपर आने से पहले जो मैंने आपसे पूछा था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द वर्ड आइडियोलॉजी, तो इंट्रोडक्शन के फौरन बाद आपने बताना है कि आइडियोलॉजी और उसकी टाइप्स क्या होती हैं। अकट्ठी लिख दीजिए, आप ये कह दीजिए कि आइडियोलॉजी इज बेसिकली द सेट ऑफ बिलीव्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडियोलॉजीज एग्जिस्ट, एक जर्नल उसका थीम बता के फिर आप आती हैं कि इलामा इकबाल एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान टू नेशन थीरी, जो पंजाबी में इवन है या इवन इस्लामिक स्टडीज है, उनकी क्वेश्चन को भी आप देखें तो आपको एक्टिव एंड पैसिव पार्ट्स नजर आए। जिस तरीके से आप एक क्वेश्चन आता है कि स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम, फेमिनिस्ट मूवमेंट इज अकॉर्डिंग टू इस्लाम और नॉट, अब इस्लामियात के पर्सपेक्टिव में आप स्टेटस ऑफ वुमेन पे जंप करते हैं क्योंकि वो एक्टिव पार्ट है, आपको पता है, आपने इस्लामियात के कॉन्टेक्स्ट में किया हुआ। फेमिनिस्ट मूवमेंट के ऊपर आप इतना जल्दी नहीं जाते क्योंकि दैट इज द पैसिव पार्ट, उसको आपने लिंक नहीं किया। हाँ ठीक है, जेंडर में आपने किया होगा, इंग्लिश के पेपर में आपने किया होगा। सो दिस इज द पॉइंट। सिमिलरली अब जिस तरह आप लोग इश्तिहाद के ऊपर सवाल करते हैं और उसमें आप इश्तिहाद, उसकी जरूरत, तमाम बातें कर देते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं कि ओ आई सी का क्या रोल है इश्तिहाद के रिवाइवल में, तो वहां वो पैसिव पार्ट ऑफ आप ओवरलुक कर देते हैं। सिमिलरली पाकिस्तान अफेयर के पेपर के अंदर अब जब बात आती है कि सर सैयद अहमद खान, अच्छा वो कहता है कि इंग्लिश द सर्विसेज ऑफ सर सैयद अहमद खान, सर सैयद की जो है वो तमाम तमाम जो है आप सर्विसेज बताएं, एजुकेशन में उन्होंने क्या किया, पॉलिटिक्स में क्या किया, और साथ में वो कहता है सर सैयद वॉज प्रो ब्रिटिशर कमेंट करें। अब हम इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा, हमें पता होता है कि सर सैयद फलां थे, सर सैयद ने ये काम किया, सर सैयद ने वो काम किया, लेकिन जब बात आती है कि सर सैयद प्रो ब्रिटिशर थे तो वो पैसिव पार्ट हम ओवरलुक कर देते। तो इसलिए पाकिस्तान अफेयर, या फिर हमारे पास बात आती है कि खिलाफत मूवमेंट वॉज एन इमोशनल मूवमेंट। अब खिलाफत मूवमेंट का आपको सारे का सारा पता है कि खिलाफत मूवमेंट में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इमोशनल कैसे है, उस पैसिव पार्ट को हम निग्लेक्ट कर देते हैं और हमारा पूरा सवाल उस पर घूमता है। इसलिए जब भी आपके पास क्वेश्चन आए, उस क्वेश्चन का एक्टिव एंड पैसिव ऑल पार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपने उसको एड्रेस करना है, आपने उन तमाम चीजों को लेके चलना। राइटिंग प्रैक्टिस का यही मकसद है।
अच्छा जी, उसके बाद आपने अगले मीनिंग्स मीनिंग ऑफ आइडियोलॉजी आपने इसके बाद ऐड किया, दिस इज गुड कि आपने बाद में ऐड किया, आपके पेपर में ये चीज है। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ आइडियोलॉजी एंड मीनिंग अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, एक जगह आप लिख लें तो दैट इज इनफ, ठीक है। उसके बाद आपने रीजन ऑफ इमरजेंस ऑफ आइडियोलॉजी, अच्छा इस चीज के ऊपर हम जो है वो ज्यादा जा रहे हैं, इसलिए आप डायरेक्टली एवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान आइडियोलॉजी में आए और फिर आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान अंडर द सेइंग ऑफ इलामा इकबाल एंड कायदे आजम बात करें। थोड़ी सी जो इनकी सेइंग्स है उनको थोड़ा ज्यादा कर दें, उनको जो उनकी कोट्स हैं तकरीबन अप्रोक्सीमेटली उसको 3-5 की रेशो, ठीक है, एंड देन कंक्लूजन के ऊपर वी विल कमेंट ऑन दैट, ठीक है। मैंने 10-10 इनकी निकाली है, आपने उनके पॉइंट्स बनाए हैं ना 10-10 करके, मैं कह रही हूँ 3-3 हाईलाइट कर, फॉर एग्जाम्पल आपने कायदे आजम और इलामा इकबाल की टोटल 20 सेइंग्स निकाली है, आप उनकी सेइंग्स को, मैं कह रही हूँ कि आपने उनमें से जो मेन चंक निकाला है लाइक 10-10 दैट इज गुड, उसको आपने रिफ्रेज भी करना है, लेकिन जो 3-4 आपको हाईलाइट कर ले मार्कर से जाए, ठीक है, ताकि वो स्टैंड आउट करें जो कि स्पेसिफिकली पाकिस्तान की मेकिंग की बात करें, ठीक है। लाइक स्पेसिफिकली जब आप देखती हैं तो खुद अलाहाबाद एक क्लियर इंडिकेशन, ठीक है, या फिर हम कायदे आजम को जब देखते हैं तो वो कहते हैं कि भाई उसी वक्त स्टेट वजूद में आ जाती है जब हिंदू मुसलमान होता है, लेटर ऑन इस तरह के जो पॉइंट्स हो उनको स्टैंड आउट जरा करवाएं, उनको थोड़ा सा आप मार्कर ज्यादा यूज करें, बाकी दैट वॉज गुड। अच्छा जी, उम्मीद कुलसूम आपके बच्चे पेपर है उसको हम देखते हैं, आई होप दैट यू आर इन क्लास इसके अंदर, और जिन लोगों ने काम नहीं किया फिर वो ये है कि वो आज क्लास के अंदर फिर उनसे क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, क्योंकि और तो कोई हाल बचता नहीं है। अब कुलसूम ने आइडियोलॉजी से स्टार्ट किया गुड, उसके बाद इन्होंने अल्टीमेटली आगे चल के कहा कि जितनी भी पॉलिटिकल सोशल चीजें हैं, और फिर उसके बाद आपने कहा कि उनको लेजिटिमाइज करने की बात है, सीमेंट बिल्डिंग की बात है, यानी कि आपने अब कुलसूम क्या किया कि आपने जब इस इंट्रोडक्शन को लिखा तो आपने एक जेनेरिक व्यू में आइडियोलॉजी की बात की, उसके कंपोनेंट्स को लिस्ट किया, लेकिन पाकिस्तान वाली जो आइडियोलॉजी का पार्ट है वो नहीं रहा। क्वेश्चन का जो इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन कभी भी किसी पहले एक लफ्ज का नहीं होता, लेकिन हमारी एक बहुत बड़ी गलती ये होती है कि हम इंट्रोडक्शन लिखने लगते हैं तो हम पहले 2-3 पॉइंट्स के ऊपर लिखते हैं, इंट्रोडक्शन पूरे सवाल का होता है, फिर आपने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान आगे बताया, आपने कायदे आजम की सेंस में बात की, एंड देन यू टॉक अबाउट द सेंस ऑफ इलामा इकबाल, और फिर उसको भी आपने इनलिस्ट किया, ठीक है, वेरी गुड। आपने वैसे शेयर भी ऐड किया, इसकी गुंजाइश होती है कि इलामा इकबाल की सेंस के अंदर आप 1-8 शेयर भी लिख सकते हैं, एंड देन आपने इसको कंक्लूड किया, ठीक है। तूबा की तरह आपको मैं यही कहूंगी कि जो सेंस है उनको थोड़ा हाईलाइट कर, बाकी आपने जो अटेम्प्टेड इट्स हो गए। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो है वो नाम आपने नहीं लिखा हिबा, अच्छा हिबा फरा, मैं आपसे आपका सवाल मैं लेती हूँ, रुक जाइए। इंट्रोडक्शन आपने लिखा, व्हाट इज आइडियोलॉजी, मैं एक चीज जो है उसको बहुत डिस्करेज करती हूँ, क्वेश्चन इन रिस्पॉन्स ऑफ क्वेश्चन, सवाल पूछा गया और उसके बदले में आप कह रहे हैं व्हाट इज फला व्हेन वेयर वो, नो, सवाल के जवाब बदले सवाल नहीं करना, नो क्वेश्चन इन रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन आपने जवाब करना। आइडियोलॉजी, अब ये आप देखें ना, व्हाट इज आइडियोलॉजी ज्यादा बेहतर है आपकी आउटलाइन या आइडियोलॉजी इज अ सेट ऑफ बिलीव्स ज्यादा बेहतर है, तो आप जो है इस तरह की आउटलाइन बनाएं कि जो अपने अंदर एक पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन रखती हो। फिर आपने उसकी इंपॉर्टेंस की बात की, एंड देन पाकिस्तान एंड कायदे आजम एंड इलामा इकबाल के पर्सपेक्टिव में आप आई, देन आपने उसको पूरे क्वेश्चन को इनहांस करने की बात की है। मैं वैसे यहाँ पे कहती हूँ कि आप इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट्स बनाया करें, 2-3 पेजेस काफी होते हैं, जिस तरह आपने इलामा इकबाल का सेपरेट रिकॉग्नाइजेशन या सेपरेट मुस्लिम स्टेट के कंसेप्ट ऑफ टू नेशन की बात की है, तो इनको थोड़ा सा आप प्रिसाइज कीजिए, बाकी आपके जो पॉइंट्स है वो ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद समी है एंड देन हानिया है, और फिर उसके बाद फिर आपका सवाल लेंगे। अच्छा समी, आपने बच्चे जो यहाँ पे क्वेश्चन किया वो आपने कि आइडियोलॉजी कंटेन्स अ सेट ऑफ प्रपोजल्स अबाउट ह्यूमन नेचर एंड सोसाइटी, ठीक है, आपने भी एक अच्छा स्टार्ट किया। फिर उसके बाद आपने आइडियोलॉजी बेसिकली साइंस ऑफ आइडियाज है उसके ऊपर आप आए, और देन आपने कहा कि आइडियोलॉजी क्या है, सेल्फ क्या रिप्रेजेंट करती है, अल्टीमेटली आपने इस आइडियोलॉजी के अंदर उसकी टाइप्स तो बताई हैं, बट आपने आइडियोलॉजी को ज्यादा फोकस कर लिया, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को आपने नहीं किया। फिर आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर आपने बात की, अलग से बात की, एंड देन कायदे आजम और इलामा इकबाल की सेइंग एंड कंक्लूजन, आप भी थोड़ा सा मार्कर को एनहांस करें और इन सेइंग्स की हेडर्स बनाएं कि ये जो सेइंग है, जिस तरह आप इलामा इकबाल जो उन्होंने क्लियर कट मैसेज देते हैं कि हमारी एक सेपरेट एंटिटी है, हम एक सेपरेट नेशन है, उन पॉइंट्स को थोड़ा सा आपने लिस्ट करना है, यानी कि ऐड हेडर्स एंड सब हेडर्स। अच्छा जी, द लास्ट ताबिंदा आपका पेपर है कि जिसमें आपने ताबिंदा, एक तो ये है कि पेन का थोड़ा सा ये है कि आप ब्लू ही में रहा करें, ब्लू एंड ब्लैक के साथ ही चला करें, इसमें आपने इंट्रोडक्शन लिखा एंड देन यू राइट अबाउट कंसेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, ये बुलेट्स हैं, मैं बुलेट्स के बजाय ये कहूंगी कि आप आइडियोलॉजी क्या है पूरा लिखिए, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या है वो पूरा लिखिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन जो है वो आगे मैं देखती हूँ, आपने जिन लेटर ऑन लिस्ट किया आपने
उसके बाद आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन लाइट्स ऑफ क्राइस्ट सिंह. अब इसमें आपने बताया एड्रेस एट सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 1931. अब 1931 पे एक सिंह कायदे आजम ने कही, इस बात का ताल्लुक कैसे बनेगा कि वो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान फॉर्मुलेट करी. ये ब्रिज जो है ना, दिस इज मिसिंग, इसको हमने ऐड करना है कि एट सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस काइंड वाज ऑफ द व्यू कि मुस्लिम जो है उनको सेपरेट एंटिटी है, तो वहां से आपको पता चलेगा कि अच्छा ये इस तरीके से आइडियोलॉजी को फॉर्मुलेट करता है. या फिर आप आगे कहते हैं कि इलामा इकबाल ओपनली, अब ये जो पॉइंट है ना इलामा इकबाल ओपनली निगलेक्टेड, तो डायरेक्टली समझ आता है कि आपने आइडियोलॉजी की बात की, तो इसलिए आइडियोलॉजी के पॉइंट को आपने थोड़ा सा एनहांस कर. उसके बाद आइडियोलॉजी ऑफ नेशन क्या होती है आपने बताया, एंड देन जो है पाकिस्तान की आपने इस्लाम के साथ लिंक की, आपने कोर्ट बताई अली अब्बास की, एंड देन आपने कंसेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी की बात की, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को आपने अलग से बताया, एंड देन काइट की सेंग्स. अब ये जो आपने सेंग्स नीचे डिटेल में बताई है ना, इनमें से कोई दो अल्फाज उठा लीजिए. फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि ऑन टू नेशन थ्योरी काइट वाज ऑफ व्यू दैट मुस्लिम एंड हिंदूज आर टू डिफरेंट नेशंस, तो ये चीज हमें पता चल जाएगा कि आपने आइडियोलॉजी के पर्सपेक्टिव में ली. और फिर उसके बाद आपने इलामा इकबाल, एंड देन आपने इसको कंक्लूड नहीं किया, आई बिलीव इन वन थिंग, प्लीज कंक्लूड लाजमी किया करें क्योंकि आपके एग्जामिनर इस चीज को भी देखता है कि व्हाट टाइप ऑफ कंक्लूडर यू आर, यू मस्ट हैव बी गुड कंक्लूडर, आपको अच्छे तरीके से कंक्लूड करना चाहिए. ठीक है, अच्छा हीरा आपने बच्चे आइडियोलॉजी के ऊपर जनरली बात की, उस पर फिर आपने आइडियोलॉजी की पाकिस्तान की बात जो है वहां पर ऐड नहीं की बल्कि अलग से की है, उसको भी उधर भी ऐड करें, रिलीजियस पोलिटिकल हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव के अंदर हेडर्स डाल दें रादर देन दैट कि ये पैराग्राफ आप पूरा बना दें. और फिर उसके बाद आपने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान कायद की सेंग में, कायद की सेंग वही चार जगहों पे मिलती है और वही आपको हर जगह मिलेगी. और उसके बाद इलामा इकबाल की सेंग, इसके ऊपर इतना ज्यादा सवाल नहीं आता, बट मैंने कहा कि अगर आ जाए या वो लोग जो पीएमएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है जी, जी फरा आप पूछेंगे पहले सवाल और उसके बाद हम ताबिंदा की तरफ जाएंगे. मैम मैं ये पूछना चाह रही हूँ, अगर हमें कोटेशन एग्जैक्ट याद नहीं रहती तो हम अपनी वर्डिंग में लिख लें. मैंने आपको यही कहा है कि अगर आपको एज इट इज कोटेशन याद नहीं रहती, मैं जब क्लास में बता रही थी कि आपको कोटेशन याद नहीं रहती लेकिन आपको उसका क्रक्स समझ आ जाता है या आपको ये लगता है कि भाई इसके अंदर ये चीज है, तो जस्ट आप ये कीजिए कि आप उसको इस तरीके से बात कीजिए कि एज पर द सेइंग ऑफ कायद आजम ने ये कहा एंड आई कोटेड. जब आप कहते हैं कि आपने कोई कोट की है बात, तो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर ले लेते हैं. अब वो आपकी जिम्मेदारी है कि अब आप उसको किस तरीके से डिफेंड करते हैं या लेके चलते हैं. ठीक है, मैम मैंने ये पूछना था कि कितने पेजेस का क्वेश्चन होना चाहिए. एक 20 नंबर के सवाल की आइडियल लेंथ 8 पेजेस होती है और पेज से मेरी मुराद जहाँ पे ये होगा कि अब ये जो है, अच्छा ये अब जो है ना ये एक पेज है. ठीक है, ये एक पेज है और इसकी ये दो साइड्स है. ठीक है, ये एक पेज है, एक दो तीन चार पांच और छे, मिनिमम छह पेजेस, मैक्सिमम आप 8 पे भी जा सकते हैं. और अगर कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडियो है जाना चाहता है जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो वो जो आपको एक तथ्य मिलता है ना पूरा, वो 40 पेजेस का, तो उसके साथ अगर हम कहें मैं कहूँ कि इंसाफ करना चाहते हैं तो हम 10 साइड की 10 पेजेस भी अगर कर लें उसकी दोनों साइड करके, तो 20 नंबर के सवाल की जब आप 20 साइडें लिखेंगे तो शायद चेक करने वाला खुद ही गैरत खा जाएगा कि भाई आप इसको एक एक नंबर को ऐड करें, दोबारा 13 उसमें आप स्कोर ले लेंगे. बट इट रियली डजंट मीन कि आपने जो है वो जमीन आसमान की कलाबें मिला देने. आपका रेलेवेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. रेलेवेंस के बाद अब जो हमारे पास पेपर अटेम्प्ट चेकिंग के लिए उनके पास जो की आती है ना, उस की के अंदर सबसे पहली चीज ये होती है कि रेलेवेंस, उसके बाद अगली चीज होती है क्वालिटी, और उसके बाद एक चीज आती है वो होती है क्वांटिटी. इसलिए हमने इन तीनों ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो बात करनी है. ठीक हो गया. और मैम इसके अलावा दूसरी बात ये कि जब हम आउटलाइन में हेडिंग्स लिखते हैं सेंटेंसेस की फॉर्म में, ठीक है, तो जब हम बाद में दोबारा उसकी हेडिंग्स लिखते हैं मतलब ये पूछना था कि वो लिखनी चाहिए या नहीं. ये बहुत दफा मुझसे सवाल हो चुके हैं, तकरीबन 25 दफा ये हो चुके हैं. ये हमेशा यही होता था. मैं इन लोगों को ये कहती हूँ तो ये बच्चे कहते हैं मैडम इधर लिखा है तो फिर रेपिटेशन ही हो जाती. अब मैं इसकी हमेशा एक मैं मेरे पास एक ही जवाब है कि एक तरह आपके पास किताब है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी किताब है, जिस तरह आप ये देखें कि ये पंजाबी की किताब है और इसको आप स्टार्ट में बोलते हैं तो ये आपकी एक आउटलाइन जो है ना वो क्या होती है, ये अब आपकी आउटलाइन है. ये जो पूरे का पूरा निसाब बताया गया, ये कॉन्टेंट बताया गया ना, ये आउटलाइन. अब इसके अंदर लिखा हुआ है कि काफियां बुले शाह. अब इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आगे किताब के अंदर काफियां बुले शाह जो लिखी हुई है उनको फाड़ दिया जाए. आपकी आउटलाइन यही तो बता रही है कि जनाब मैं आगे जाके ये बात करूंगा. ये नहीं कह रही कि मैं आगे जाके ये बात नहीं करूंगा या आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट. ये वही बात होती है. इसलिए इस पॉइंट एक तो इस बात से निकल आए
कि हम अगर यहाँ पे लिखेंगे तो आगे रेपिटेशन हो जाएगी। एक इस बात से निकला है कि मैडम इंट्रोडक्शन बड़ा हो रहा था इसलिए हमने इस पॉइंट को निकाल दिया, हालांकि वो बड़ा रेलेवेंट पॉइंट था, या हमें ये लगा कि वो हम आगे जब बताने लगे हैं तो यहाँ पे क्यों नहीं बताए। इस इन चीजों के ऊपर हमने नहीं जाना। अभी आपने बिल्कुल खुल के लिखना है, आपकी बेशक आगे जाके रिपीट होती है अगर हेडर तो हो, यही तो रेलेवेंस है ना। आपके एग्जामिनर कहेगा कि अभी मैंने इसका पर्चा देखा और इसके अपनी आउटलाइन में मुझे बताया कि मैंने आगे जाके बात करनी है वुमेन एम्पावरमेंट की, और फिर आपने आगे बात की भी हुई है, इसका मतलब है कि आपकी आउटलाइन इज रेलेवेंट टू योर क्वेश्चन। ठीक हो गया जी तूबा, आप बताए। मैम मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप थोड़ा सा मुझे गाइड कर देंगे सब स्टूडेंट्स को कि मैप कैसे बनाना है पाकिस्तान का विद रिलेशन टू अदर कंट्रीज, और मतलब अगर हमें फर्ज करें पाकिस्तान या अफगानिस्तान के रिलेशंस को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको कैसे करेंगे, अगर आप थोड़ा सा इस पर गाइड कर दें। अच्छा, अब ये जो मैप का क्वेश्चन आता है ना पाकिस्तान अफेयर का, अगर मैं प्योरली मैप बताऊँ तो उसके अंदर हमें जो मैं बताऊंगी आपको किसको किस तरीके से करना है वो हम डिस्कस करेंगे जब हम बात करेंगे सोशल इश्यूज के ऊपर। पाकिस्तान का मैप हमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस के अंदर नहीं चाहिए होता। पाकिस्तान का मैप हमें उस वक्त चाहिए कि जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की अरबी प्रॉब्लम के अंदर उसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज का मसला आया। पाकिस्तान का मैप हमें उस वक्त चाहिए जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के सोशल इश्यूज कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। पाकिस्तान अफेयर के अंदर हमें मैप तब चाहिए कि जब हम पाकिस्तान अफेयर का शनाख्त होती है और वहां पर जो शनाख्त होती है वो तो उनकी हाथ पर भी है, लेकिन यहाँ पे जो मिलिट्री एफिशिएंसी थी उसके काम होगी कि वो आपस में इन लिंग्विस्टिक रिलीजियस एंड कल्चरल बाइसेस की वजह से डिवाइड हो। अच्छा, उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो हमारे पास डिग्रेडेशन ऑफ रूरल्स करेक्टर, ठीक है, और बेशक जो हुक्मरान होता है ना आपका अगर वो नेक है तो फिर कौन को कोई जवाल है। सबसे पहले जो डिटोरिएशन हुई वो ये थी कि आपका हुक्मरान अपने इखलाक से गिर, अपने इखलाक से ही नहीं अपने किरदार से भी गिर। किंग और सुल्तान जैसे कि अल्तमश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, सिकंदर लोधी, बाबर, अकबर एंड औरंगजेब, इनके नाम के साथ एडजेक्टिव बोले जाते थे कि ये अपनी कॉम्पिटेंसी, हार्डवर्क, इंटेलिजेंस, आवाम की वेलफेयर और हुकूमत के चलाने के असलूब के लिए जाने जाते। आपको याद हो कि रात के अंधेरे में एक शख्स जाता है और एक गरीब जो उसके आराया या उसके अवाम में लोग हैं उनको खामोशी से सौदा दिया, ये हुक्मरान। लेकिन फिर ये हुक्मरान कौन जो सिर्फ और सिर्फ ऐशो इशरत में पड़ा हुआ है, जिसको अल्टीमेटली ये है कि भाई कनीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है और अपने पर्सनल मोटिव की जब वो बात कर रहा है, जब भी आपकी प्राइवेट लाइफ आपकी पब्लिक लाइफ के ऊपर भारी कर जाए, वेदर यू आर सिविल सर्वेंट, वेदर यू आर द प्राइम मिनिस्टर और द प्रेसिडेंट, वहां पे आपका जो है ना वो फ्लॉप हो जाता है। तो उसके बाद जो नॉवेल्स थे मुगल के 17 और 18 सेंचुरी में वो अब अपनी डिवाइड हो गई उनकी मुख्तलिफ वजूहत से, वो अपनी जात पात रंग नस्ल पे जी है कहते हैं कि भाई ये मैं ज्यादा खूबसूरत उस तरह की। अब अगर आप वहां पे देखें तो ऐवान में की जाने वाली बातें ये थी कि अगर आप हिस्ट्री की किताब पढ़े तो स्टोरियन लिखता है कि अपनी खूबसूरती का मैयार वो ये कहते थे कि इतनी खवातीन मुझे देख कर रुकती हैं और तुम्हें देख कर इतनी रुकती हैं, ये बातें वहां पे ऐवान में होना शुरू हो। तो ये किरदार जो है ना यहाँ पे आता है। सेगमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, अकबर जो रिलीजन, अब अकबर जब आया उसने जो दीन इलाही की बात की, मैं जिले इलाही हूँ, और उसने अल्टीमेटली जो इंटरफेथ मैरिजेस जो हैं उनको उसने लीगलाइज किया, डाइनिंग्स को लीगलाइज किया, अगेंस्ट इस्लामिक टीचिंग को जब बातें शुरू की तो अब जो कम्युनिटी है वो डिवाइड हो। अब आधे लोग वो थे कि जो कहते थे कि अकबर जो है वो ग्रेट, अकबर जो बात कह रहे हैं वो ठीक है, और कुछ लोग वो ये कहते थे कि भाई जो जिनको मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट शाह वलीउल्लाह जैसे लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला का जो दीन है उससे ये हट के बात कर रहा है और नाउज बिल्ला ये गुनाह की तरफ लेकर जा रहा है। अकबर का जो रिलीजन डॉगमा, अकबर ने जो दीन इलाही लाया उसकी वजह से मुसलमानों का फेथ बहुत ज्यादा वीक हो गया, मुसलमान गवर्नमेंट ऑफिस में भी, उसके बाद मुस्लिम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है और उनकी तबाही शुरू हो गई जब उन्होंने मुगल एम्पायर के अंदर उन तमाम कंपोनेंट्स को देखना या लेना शुरू किया। तो इस तरह एक बहुत बड़ी ऑर्थोडॉक्सी शुरू हो गई, एक मुसलमान और हिंदू एम्पायर को जब कंबाइन किया गया तो ये भी एक बेसिस था इनके दौर का। अब उनको दबाया हुआ था, आप जब किसी चीज को दबाते हैं और उसका प्रेशर रिलीज करते हैं तो बड़े ही ट्रस्ट के साथ आते हैं। अब जब मुस्लिम माइनॉरिटी होकर अपने होल्ड पर थे तो मराठा या हिंदू जो मेजोरिटी में थे उनको इस चीज पर बड़ा गुस्सा था, वो कहते थे कि भाई हमारी इनसे जान कैसे छूटे, तो उनको तो ये एक पॉइंट मिल गया। मराठा जब एक क्योस का पीरियड हुआ जब ये आपस में सल्तनत को लेकर लड़ रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही थी, तो ऐसे में मराठा अपना सर उठाने लगे,
औरंगजेब की जो डेथ थी वो मराठा के लिए सिग्नल थी कि बेसिकली वो अपनी अथॉरिटी अब गवर्नमेंट के अंदर बढ़ा सकते हैं, एंड अल्टीमेटली एडमिनिस्ट्रेटिव डिसऑर्डर भी था। इसकी वजह से अब बहुत ज्यादा जो देयर वाज अ ग्रेट रिजेंटमेंट अमंग द मुस्लिम मैसेस अगेंस्ट द मराठास, पर्टिकुलरली मुसलमानों ने बहुत ज्यादा रिजेंट भी किया, उन्होंने आगे से मजम्मत भी की, लेकिन जो एम्परर थे वो बहुत वीक थे, उनकी अब हिम्मत नहीं थी कि वो उनको चैलेंज को एक्सेप्ट कर सके। अल्टीमेटली जो मराठास हैं वो बहुत ताकतवर होते जा रहे थे मुसलमानों के ऊपर। उसके बाद इग्नोरेंस टुवर्ड्स सी पावर, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो मुस्लिम रूलर्स थे पर्टिकुलरली मुगल्स, उन्होंने कहा हमारा समंदर से क्या काम, उनको विजन ही नहीं था कि जो उनका यूरोपियन सी पावर कितनी ज्यादा उनके लिए चैलेंज बन सके। और खुद फिर उनके जब इंतजामी अमूर के मसाइल अलग चल रहे थे, रेवेन्यू टैक्सेस उन्होंने इनहांस कर दिया। अब एक बच्चों बहुत आप किसी भी एम्पायर को या किसी भी सिविलाइजेशन के डॉन फॉल की तरफ चले गए, जब अनइवन टैक्सेस लगाए जाते हैं, जब गरीब के ऊपर, जब डिसप्रोपोर्शनेट टैक्स का मतलब ये होता है कि आप अमीर का टैक्स बढ़ाने के बजाय, उस गरीब का टैक्स कम करने के बजाय गरीब का बढ़ा दें और अमीर का वहीं रहने दें, दिस इज अ डिसप्रोपोर्शनेट। अब जब गुर्बत इनके पास बढ़ी, क्योंकि इन्होंने जो गल्ले थे वो तो खत्म हो गए, क्योंकि हम तो पोटली जो उठाते थे अशरफियों की और यूं करके फेंक देते थे, तो रेवेन्यू टैक्सेस जी अब हम लेकर आएंगे, क्योंकि हालात तो तभी बेहतर होंगे कि जब हम रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो अपने फौजियों को पे करने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पे तो मुरगन गजाएं बनती थी, अब दाल बन रही है, इसलिए जो टैक्स पॉलिसी बढ़ाई थी। अब टैक्स पॉलिसी की कोई वहां पे गाइडलाइन नहीं थी कि किसको क्या, किससे कितना टैक्स देना है, किससे कितना लेना है, इसकी वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हुई। अगर आप लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं या अगर आप लोगों का इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, तो आप एक चीज ये देखिएगा कि टैक्स नेट बढ़ाने से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उस वक्त आती है कि जब वो नेट प्रोपोर्शनेट है। अगर आपका टैक्स नेट इन अ डिसप्रोपोर्शनेट मैनर हो तो आपकी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है, आपका मार्केट फेलियर होता है, आपकी बास्केट इनकम्प्लीट होती है। ये वो चीजें हैं कि जिनको अगर हम देखें पूरी जो कमोडिटी होती है, फॉर एग्जाम्पल फूड कमोडिटी है तो उसके ऊपर मिनिमम टैक्स है, उसके बाद अगर मेडिसिन है तो उसके ऊपर आप टैक्स नहीं लगा रहे, और उसके बाद अगर आपकी शॉपिंग आर्मामेंट्स है, आपके आर्ट है, आपकी वो मामलात है कि जिसको वो वाले लोग खरीदते हैं कि जो ऑलरेडी मोर फॉर्च्यून है, उसके ऊपर टैक्स की आपकी परसेंटेज भी बढ़ती है। ठीक है, अटैक्स ऑफ इन्वेडर। अब बेसिकली जब आपको अंदर आपको क्योस था, तो अब हम यही देखते हैं कि बहुत सारा अगर आप देखें तो अब्दुल सत्तार की किताब में ये कहा गया कि पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी उस वक्त स्ट्रेंथन कर सकता है कि जब उसका इंटरनल क्योस खत्म होगा, जब ये बलोचिस्तान वालों के पंजाब वालों से पानी की शिकवे और पंजाब वालों का जो बिग ब्रदर होने का जो दावा, तमाम चीजें अगर सेटल होगी तो हमारी फॉरन पॉलिसी जो है वो अफेक्टिव हो सकती है। अब इन्वेडर्स का अटैक ये हुआ कि जब आपस में ये लड़ रहे थे तो जो नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली है, उन्होंने जब अटैक किया तो वो मुगल एम्पायर के लिए बहुत फाइटल था, वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर सके। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि जो रीजनल पावर्स है उनकी डिप्रिएशन हो गई, दक्कन, उड़ीसा, बंगाल, बिहार तमाम इंडिपेंडेंस हो गए। अनफॉर्चुनेटली जो मुस्लिम रूलर्स हैं उन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे तो कभी काम किया ही नहीं था। दूसरी तरफ यूरोप जो है वो नेवल बेसिस बना रहा है, एजुकेशन सिस्टम की तरफ जा रहा है, हमने कहा हम बाग बनाते हैं, उन्होंने कहा हम यूनिवर्सिटियां बनाते हैं, हमने कहा हम कुंदाकारी करके हमाम बनवाते हैं, उन्होंने कहा हम अस्पताल बनवाते हैं, हमने कहा कि हम आवाम को नोच के उनसे टैक्स लेते हैं, उन्होंने कहा हम वेलफेयर इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, हमने कहा कि जी जनाब हमारे रूलर के आराम में खलल ना आए, उनके रूलर ने कहा कि हम आज एक रात और जाग कर दिया जलाते हैं। ये वो मामलात थे जब आपके सब कॉन्टिनेंट में ये हो रहा था और आपके यूरोप वाले की। So this was the point. ये अब एक प्रॉपर आप ये देखें ये कंपैरिजन अगर आप ड्रॉ करें तो ये मसाइल इंसान अपने हाथ, जो भी इंसान को तकलीफ पहुंचती है वो उसके अपने हाथों की कमाई होती है। ठीक है, तो ये इनके अपने हाथों की कमाई थी। अब यहां तक जब हमने बात देखी कि डाउनफॉल कब कैसे किस वजह से हुआ, जहां तक अगर आप लोगों को सवाल है तो बताएं, उसके बाद हम चलेंगे एफर्ट्स ऑफ रेनेसेंस की तरफ। जी रिमशा मैम, बस ये अटैक ऑफ इन्वेडर्स का बता दें कि ये अटैक जो है वो इन अ सेंस के मतलब मुस्लिम रूलर्स ने हमेशा काम किया अपने ग्लोरी के लिए, या कह लें कि उन लोगों ने एजुकेशन सेक्टर या इस तरह की चीजों को वैल्यू नहीं किया, तो ये अटैक था यूरोपियंस का, जिस पॉइंट ही समझ अटैक ये था कि ये रीजंस थी कि जिनकी वजह से वो वीक हुए, और एज अ रिजल्ट जो फॉरनर्स थे या जो फॉरन आपकी पावर्स थी उनको ये लगा कि ये ऑलरेडी कमजोर है, तो उन्होंने इनके ऊपर अटैक कर दिया।
अटैक का मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि अब हम इस लैंड के अंदर, अब आप अगर देखें आजकल तो हमारे पास इंटरनेशनल लॉ की प्रॉपर डोमेन में बात कर रहे होते हैं ना, आजकल तो हम पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू हमने ये कहा है कि भाई अल्टीमेटली हर एक स्टेट की जो सॉवरेनिटी है दैट इज इम्पोर्टेंट, बट अगर हम बैक इन दैट एरा जाएं तो हमारे पास कुछ ऐसी चीजें आती हैं कि जिनके बेसिस के ऊपर हम ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं कि पहले वक्तों में जो फतुहात का एलिमेंट था उसमें ये चीज इंपॉर्टेंट रखी जाती थी कि कौन सी स्टेट कितनी लैंड एक्वायर करती है by the use of power or by the diplomatic ties or whatever it is, on these basis that state is considered as a strong state. So phir ab for example agar aap ki state ka jo agar koi ईरान अपनी जो है आपका अगर हम नाउ से आज की बात करें, अगर इंडिया जो है वो अपनी रियासत बढ़ाना चाहते तो इंडिया क्या करेगा कि अगर पाकिस्तान के अंदर क्योस है और इंडिया हमसे मिलिट्री में न्यूक्लियर आर्मामेंट में आगे निकल जाता है तो वो क्या कर देगा, अटैक कर देगा। आजकल नहीं होता, मैं उस वक्त की आपको इमेजिनेशन करवा रही हूँ कि जो हमारा पोस्ट वर्ल्ड वॉर से पहले का एरिया तो उसमें वो अटैक करेंगे, हमारी जमीन पे कब्जा करेंगे, अब हमारा जो वो कश्मीर वाला एरिया उसे अपने साथ टिका लेंगे, आगे आएंगे थोड़ा सा हमारे पंजाब को हमारे केपी के चंक को अपने साथ मिलाते मिलाते इंडिया में डाल देंगे। इसका मतलब है कि फतुहात के जरिए ज्यादा जमीन आगे वो स्टेट सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती थी। अभी तो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ ऑल स्टेट्स आर इक्वल अंडर द आई ऑफ इंटरनेशनल लॉ, उस वक्त वो स्टेट सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती थी कि जिस स्टेट की मैक्सिमम टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन 75% ऑफ द केसेस की जिसमें आप स्टेटमेंट के गो के साथ जाते हैं, स्टेटमेंट के फ्लो के साथ जाते हैं। बट दिस स्टेटमेंट के अंदर अगर आप देखें कि ही अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स, क्रिटिक्स इज अ नेगेटिव कनोटेशन, ये एक क्रिटिक है एंड क्रिटिक is most of the time is the wrong critique and mostly to the political or a sort of the noble person. So, इसके accordingly आपने उस चीज को clarify करना है कि वो progressor नहीं है। आप जिस context पे बात कर रही हैं वो ज़्यादा essay के अंदर follow की जाती है। For example, बात होती है classroom decide the future of nation, तो आप उसको classroom decide the future of nation ही कहते हैं, आप ऐसे नहीं कहते कि classrooms not decide the future of nation। लेकिन उस पर डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन का आर्ग्यूमेंट कैसा है। जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल एक एंटी आर्ग्यूमेंट हो और आप सिर्फ इस बेसिस पे उसको डिपेंड करते रहें कि जी हमारे पास जो है वो सवाल भी दिया है। ठीक है जी रिमिशा। मैम बस मैंने यही पूछना था कि आपने जो एक्सप्लेन कर दिया कि हमने क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, हमने उसको एक्सप्लेन करना है दैट ही वाज नॉट अ प्रो ब्रिटिशर थ्रू हिज सर्विसेज। यस जी अलीना। मैम मेरी आज पहली क्लास थी तो मैं यही असाइनमेंट करूँ या मैं आइडियोलॉजी वाले असाइनमेंट भी करके आपको सबमिट करा दूँ? आप दोनों करके मुझे सबमिट करवा दूँ। ठीक है ओके मैम जी। आउटलाइन ही बनानी है, आई प्रेफर कि आप आउटलाइन ये शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में तकरीबन 1.5 और 2 पेजेस तक आप जा सकते। ठीक है जी हमजा। मैम आपने कहा अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स, अगर अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स ना लिखा हो तो हम भी बताएंगे कि क्यों कहते हैं हमें प्रो ब्रिटिशर के हैं फिर भी हम उनको सपोर्ट ही करेंगे। फिर भी क्वेश्चन का डॉक्यूमेंट यही रहेगा कि सैयद वाज़ द प्रो ब्रिटिशर, कमेंट ऑन इट। अब कमेंट आपने करना है तो इसका मैं हिंट ये दे रही हूँ कि आपका कमेंट ये होना चाहिए क्योंकि सर सैयद को बहुत एक इंपॉर्टेंस दी गई हिस्ट्री के अंदर, तो हम उनको प्रो ब्रिटिशर कह के उनकी सर्विसेज को स्लैप नहीं कर सकते। ठीक है तो वो था मतलब भी हमारा यही स्टांस होगा कि वाज नो वे फॉर ब्रिटिश जी। मुस्कान और आपकी वीडियो भी ऑफ है। ठीक है तो इसलिए आप जो है जब आपका उसकी क्लास अगर मिस हुई है एडमिट्स योर फर्स्ट क्लास, तो लास्ट टाइम हमने जो आइडियोलॉजी के ऊपर बात की थी, आइडियोलॉजी के बेसिस के ऊपर बात की थी, आपने उस आइडियोलॉजी वाले क्वेश्चन को आज आपको पता भी चल गया होगा कि हम इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, हमने स्टार्ट में डिस्कशन की थी और उसको आपने उसके अकॉर्डिंग लेके चलना है, उसको अटेम्प्ट करके आपने मुझे भेजना। ठीक है जी मरिया बोलिए। मैम प्लीज स्लाइड शेयर कर दीजिएगा। हाँ जी स्लाइड जो है ना वो लैपटॉप में जहाँ से कॉपी करती हूँ और फिर मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दी। ठीक है आई विल सेंड इट टू यू जी। इसके अलावा कोई और आप लोगों को किसी जी अमीर हमजा बोलिए। मैम जो आपने क्वेश्चन दिया है इसमें सिर्फ आउटलाइन बनानी है या प्रॉपर आंसर देना है? नहीं प्रॉपर क्वेश्चन आपने नहीं लिखना होता, आपने आउटलाइन या इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं जिसकी एवरेज लेंथ 1.5 to 2 पेज होनी चाहिए। मैं आपको अभी कंपेल नहीं करती कि आप जो सारे काम, आई नो कि अगर आपकी कल क्लास हो जाती है यू हैव अदर सब्जेक्ट्स आल्सो, तो अभी हम जो है वो उनकी एक सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन हम कह लेते हैं या इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट्स हम बनाए। फुल फ्लेज क्वेश्चन लिखना फिर कोई मुश्किल नहीं होता, इट्स जस्ट लाइक दैट व्हेन यू क्रैक द आउटलाइन ऑफ एन एसे ऐसे पास हो जाता है। ठीक है और इसका इंट्रोडक्शन मैम मतलब इसकी क्या लेंथ होनी चाहिए? इंट्रोडक्शन के अंदर क्वेश्चन के सारे स्टेट कंपोनेंट्स आ रहे हैं तो फिर बेशक आप 8-10 लाइनें भी कर दीजिए। इस चीज पे ना कीजिएगा कि मैडम 5-7 हो गई थी तो बस उधर ही आपने खत्म कर दिया, सैयद वाज प्रो ब्रिटिशर, नो वे प्रो ब्रिटिशर,
because of his religious and because of his religious services or the social and the political services are showing this or paanch line khatam aap udhar hi chhod ke aage no baat mukammal kar liye theek hai okay ma'am thank you chal और मैम ये बताइएगा कि आपको असाइनमेंट जो है इसी ग्रुप के अंदर सेंड करनी है जो हमारा ग्रुप बना हुआ है बिल्कुल आपने इसी में करनी है आप कैम स्कैनर के साथ अच्छे से स्कैन किया करें उसका पीडीएफ बन जाता है और इस ग्रुप में सेंड किया करें वो फॉर द टाइम्स एक एडमिन जो है आपका करते हैं रिस्ट्रिक्ट करते हैं लेकिन हमें पता होता है तो जब आपकी क्लास होती है ना तो आपको वो अलाउ कर दिया जाता है कि आप अपनी असाइनमेंट सेंड करें तो बिफोर क्लास आप उसमें सेंड कर दिया करें मैं उनको देख लूंगी एंड आप अपनी हर अगली क्लास के अंदर जो जिस तरह आज हमने स्टार्ट किया था तो आई ऑलवेज स्टार्ट माय नेक्स्ट क्लास विद डिस्कशन ऑफ प्रीवियस सेशन ताकि हम जो लेक्चर करते जाए वो साथ साथ आपका प्रिपेयर हो जी मैम थैंक यू सो मच जी चलें सही है चलें ठीक है जी आई होप दैट थिंग्स आर डूइंग वेल हम फिर वाइंड अप करते हैं बिकॉज यू ऑल हैव द क्लास एट 7:30 और उसके बाद टेक योर टाइम हैव योर 5-7 मिनट ब्रेक अल्लाह हाफिज बेस्ट विशेस एंड विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास थैंक यू सो मच